क्या हुआ मनीषा, क्या हुआ तुमको? आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो देखो मैं आ गया हूँ, देखो देखो तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमको। मनीषा मनीषा आंखें खोलो, मनीषा मनीषा तुमको कुछ नहीं होगा। होश में आइए विशाल बाबू, अपने आप पर काबू रखिए। अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही बेहोश हो गई हैं। अरे लेकिन लेकिन जब मैं ऑफिस गया तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक अचानक बेहोश कैसे हो गई? अचानक इनके सर में दर्द हुआ, मैं आपको फोन करने गया, वापस आया तो देखा ये बेहोश पड़ी हैं। आप समय बर्बाद मत कीजिए, मेरी बात मानिए, हॉस्पिटल चलिए। हाँ ठीक है चलो। डॉक्टर साहब, कैसी मेरी मनीषा की तबीयत? आप घबराइए मत मिस्टर विशाल, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी मनीषा को हुआ क्या? डॉक्टर अभी मैं यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता, सुबह तक कैट स्कैन और दूसरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तभी मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकता हूं। ओके ओके डॉक्टर। मनीषा मैं आऊं मनीषा तुम्हारे पास, अब तुम कैसी हो मनीषा? मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें हुआ भी क्या मनीषा? बस थोड़ा सा सर दर्द था, सब ठीक हो गया, और डॉक्टर कहता कि कल सुबह तक हम लोग घर चले जाएंगे। मनीषा देखिए मिस्टर विशाल, ह्यूमन बॉडी एक मशीनरी की तरह होती है, जो किसी भी वक्त कहीं भी खराब। क्या क्या हुआ मेरी मनीषा को? आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? मगर मगर डॉक्टर मेरी मनीषा। घबराइए मत मिस्टर विशाल, घबराहट में बनते हुए भी काम बिगड़ जाते हैं। क्या वो मर जाएगी डॉक्टर? उसे उसे बचाने का कोई तो तरीका होगा डॉक्टर। तरीका है मिस्टर विशाल, मगर 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 क्या है डॉक्टर? मिस्टर विशाल, अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन के लिए आपको 5 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा। 5 लाख? हाँ 5 लाख, और वो भी 15 दिनों में, वरना। नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मैं लाऊंगा 5 लाख रुपए, मैं अपने आपको भेज दूंगा डॉक्टर, लेकिन 5 लाख रुपए लाऊंगा मैं। ठीक है मिस्टर विशाल, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपसे एक विनती है। बोलिए। आप ये बात मनीषा को नहीं बताएंगे ना तो वो जीते जी मर जाएगी, मर जाएगी वो, मर जाएगी। मनीषा 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, मनीषा नहीं, मनीषा नहीं, मनीषा मनीषा तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, मनीषा नहीं, नहीं मनीषा। अब कुछ नहीं हो सकता विशाल, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सब खत्म हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो विशाल। नहीं मैं अपना सारा जीवन साथ साथ निभाने का वादा पूरा नहीं कर पाई। नहीं मनीषा, मनीषा ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना विशाल, अब मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मुझे माफ कर देना। नहीं मनीषा नहीं, नहीं। अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा। अरे बड़ी साईं 5 लाख रुपया? हाँ सेठ जी, सेठ जी मुझे 5 लाख रुपये की बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी, मेरी बीबी बहुत बीमार है, वो मर जाएगी सेठ जी, सेठ जी वो मर जाएगी। अरे बाबा 5-7 हजार रुपया हो नी तो ले जाओ नी, 5 लाख कौन देगा बाबा? सेठ जी लेकिन 5 लाख रुपये आपके लिए एक मामूली सी बात है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सेठ जी। सेठ जी मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अरे बाबा गुलामी क्या करेगा, 5 लाख लेगा तो हम तो मर जाएगा, भीख मांगेगा रोड पे, जाओ बाबा 5 लाख रुपया जाओ बाबा। आई एम सॉरी मिस्टर विशाल, हमारा बैंक डिग्रियों पे नहीं, कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी महंगी चीज पर ही लोन देता है। मगर मैनेजर साहब मेरे पास सबसे कीमती चीज है मेरी डिग्रियां हैं, आप इसको रख के मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए मैनेजर साहब, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर विशाल, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। लेकिन आप प्लीज जाइए यहाँ से। भगवान अब तू ही कुछ कर, भगवान तू ही कुछ कर भगवान। मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते विशाल। आंसू
कहाँ है मेरी आंखों में आंसू? मुझे क्या दुख है कि मैं रो? मैं सब जानती हूँ विशाल। क्या 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 जानती हूँ तू? यही कि जिंदगी और मौत के बीच अब बहुत कम फासला रह गया। मनीषा, ये तुम क्या कर रही हो? मनीषा, ये तुमसे किसने कहा? मनीषा, किसी को कहने की क्या जरूरत है विशाल? मैं अपने पति के चेहरे पर अपनी मौत का तांडव देख रही हूँ। मनीषा क्यों, मनीषा क्यों तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? मनीषा, मनीषा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे पहले ही मर जाऊँ। मरना तो सबको एक ना एक दिन है विशाल, मगर तुम्हारी ये हालत देख के मैं मर जाऊंगी विशाल। तो फिर तुम ही बताओ मनीषा, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? मनीषा, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। कर सकते हो विशाल, कर सकते हो। मौत ने मुझे जितने दिन जिंदा रहने की मोहलत दी है, तुम मेरे उन दिनों को इतना यादगार बना दो कि मैं अपने मरने का गम भूल जाऊं। बोलो मनीषा, बोलो मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मनीषा, कुछ भी। मौत से हम लड़ नहीं सकते विशाल, क्योंकि हमारे पास जिंदगी खरीदने के लिए 5 लाख रुपए नहीं है। अब चंद दिन बचे हैं, उसे हम मौज मस्ती के साथ गुजारते हैं विशाल। चलो विशाल, चलो। लेकिन कहाँ? चलो ना, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, चलो। हेलो विशाल, तो क्या सोचा तूने? ओ, मगर मैं ये सब करूंगा कैसे मैं? गुड गुड, वेरी गुड। मुझे पता था कि तू इनकार नहीं करेगा। और रही बात मेरी बीवी की, तो उसे पटाना बहुत आसान है। और कैसे पटाएगा ये तुझे जैकी बताएगा विशाल। जैकी, काम हो गया? हाँ जैकी, प्लान के मुताबिक मैंने मोनिका को उन गुंडों से बचा लिया जो तुमने कल रात भेजे थे, और मोनिका इस वक्त बेहोश मेरे कमरे में पड़ी है। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। बस इसी तरह से तुम उसके करीब जाने की कोशिश करो, उसे इंप्रेस करने की कोशिश करो, उसे अपना दीवाना बना दो, फिर देखो तुम्हारा काम कितनी जल्दी होता है और मेरा काम भी। गुड लक। मेरी कामयाबी की ये पहली सीढ़ी है मोनिका। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? रात को आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, और वो सड़क छाप मजनू आपको सड़क का माल समझकर आपकी इज्जत लूटना चाहते थे। उसके बाद मैं आपके बेहोश बदन को उठा के यहाँ ले आया। कपड़े कहाँ है? मेरे कपड़े मैंने उतारे, मगर बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत नहीं उतारी। हाँ, आपके कपड़े वहां सूख रहे हैं, आप जल्दी पहन लीजिए। लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे भी बाहर जाना है। हाँ, आपका पर्स जरूर चेक कर लीजिएगा। पर्स? ये लो। ये किस लिए? तुमने मेरी इज्जत बचाई ना। मजबूर लोगों की मदद करना मेरा पेशा नहीं, मेरी आदत है मैडम। मगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इनाम कमजोर्फ लोगों की कमजोरी है मैडम, और विशाल सिर्फ अपने बाजुओं की खाता है। फिर भी अगर आप फिर भी इनाम देना चाहते ही हैं, तो एक बार मुस्कुरा के थैंक कह दीजिए। थैंक यू। ओके, सी यू, बाय बाय। वेल ओके मिस्टर रोहन, विल कीप यू इनफॉर्म। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम। हेलो, या सेंड इन द नेक्स्ट कैंडिडेट इमीडिएटली। ओके, तुम कमाल है, मुझे नहीं मानता कि दुनिया इतनी छोटी है और आपसे दोबारा इतनी जल्दी मुलाकात होगी। बैठो। आई एम सॉरी मैम, आई एम गोइंग बैक। व्हाई? तुम तो पीए की पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आए थे ना? मैं इंटरव्यू के लिए आया जरूर था मैडम, लेकिन अभी इंटरव्यू नहीं दूंगा। व्हाई? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरे काबिलियत को देखकर नहीं, बल्कि उस दिन के किए गए एहसान के बदले। जरूरत से ज्यादा खुददारी अच्छी नहीं होती है मिस्टर विशाल। विशाल बैठिए,
और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। कम ऑन। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। विशाल बाबू ने तो आज कमाल ही कर दिया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मैम, कब और कैसे आपका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मिसप्लेस हो गया था और विशाल बाबू को ये कचरे के डब्बे में पड़ा मिला। उन्होंने चुपचाप लाकर मुझे दे दिया। दिखा। ओह माय गॉड, कितना ईमानदार इंसान है। वाकई मैडम, शायद कोई और होता तो हजम कर जाता। ठीक है, तुम जाओ मिस्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच। और विशाल को अंदर भेज। ओके मैडम। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठो प्लीज। यस मैडम। स्किप द मैडम। मैडम नहीं, सिर्फ मोनिका। कमन से मोनिका जी। मोनिका जी। मोनिका जी। वो भी नहीं, सिर्फ मोनिका। ओके ओके मोनिका। वैसे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कम ऑन, गिव मी योर हैंड। कम ऑन। ओके दैट्स बेटर। हेलो। हेलो मैडम। हाँ मैं विशाल। मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है मोनिका। विशाल? हाँ बोलो। मोनिका, जब से तुमने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हम दोनों के बीच की दुनिया कुछ कम होने लगी है। मैं दिल दिल में तुमसे प्यार करने लगा हूँ मोनिका, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्यार को ठुकराओगी नहीं। सिर्फ इतना कहने के लिए तुमने मुझे फोन किया इस वक्त? ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल ऑफिस में बात करेंगे। ओके? और सुनो, मेरा नाम मैडम नहीं, मोनिका है। ओके ओके।